दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको आपके डेटा और बैटरी से रिलेटेड कुछ हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस सेटिंग को अपने फ़ोन में अप्लाई करते हैं तो आपके फ़ोन का डाटा और साथ ही आपके बैटरी का बैकअप बढ़ जाएगा। कैसे होगा, किस सेटिंग से होगा, क्या करना होगा, मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके मोबाइल का बैटरी बैकअप और आपके मोबाइल का डेटा, अगर आपका डेली 1 GB या 1.5 GB डेटा मिलता है, वह पूरा दिन कैसे चलेगा, वह सारी सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल का डेटा और अपने मोबाइल के बैटरी को बचाएंगे। देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो सेटिंग आज हम आपको बताएंगे, वह सेटिंग अपने फ़ोन में बस कर लीजिएगा। आपका मोबाइल का डेली का 1 GB 1.5 GB जो डेटा है, पूरा दिन चलेगा और आपकी बैटरी बैकअप 3 दिन तक बढ़ जाएगी। करना क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोन की जो बैटरी है ना, यूट्यूब के अंदर में खर्च होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले YouTube को ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही YouTube को ओपन करेंगे ना, यहाँ पर कॉर्नर में लोगो होगा या किसी किसी में ऊपर में लोगो होता है, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ सेटिंग दिखेगी, सेटिंग पर क्लिक करनी है। और जो पहली सेटिंग है, मोस्ट सेटिंग, वह आप सीखिए। पहली सेटिंग में आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जनरल सेटिंग आपको दिखेगा। ठीक ना, इस जनरल सेटिंग पर आप क्लिकिएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपीयरेंस नाम की एक सेटिंग मिलेगी, आपको इसके ऊपर में एक बार टैप करना है। दोस्तों, जैसे ही इसके ऊपर में आप टैप करेंगे, यह सेटिंग यूज डिवाइस थीम के ऊपर में सेट होगा। यहां पर आप लोगों को लाइट थीम और डार्क थीम, दोनों थीम का ऑप्शन है। आप लोगों को पता है कि दोस्तों, जब हम कोई भी अपने मोबाइल के डिस्प्ले को लाइट थीम में चलाते हैं तो हमारे फोन की बैटरी बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। तो आप लोग अगर यूट्यूब ज्यादा यूज करते हैं तो यह जो सेटिंग है, इसको डार्क थीम पर कर लीजिएगा। डार्क थीम पर करने से होता क्या है कि आपका डिस्प्ले डार्क हो जाता है और आपका जो फोन का बैटरी है ना, वह बहुत कम खर्च होता है। तो यह सेटिंग आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, तो मुझे वीडियो बनाना है इसीलिए मैं इसको आपको लाइट थीम में कर लेता हूं। तो आप इसको डार्क थीम में पहली सेटिंग से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को यहीं पर एक सेटिंग मिलती है जिसका नाम है, यह है दूसरी सेटिंग, प्ले बैक इन फीड। दोस्तों, ये प्ले बैक इन फील्ड सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह सेटिंग पहले से या तो अलाउ ऑन पे होगा या तो दोस्तों यह सेटिंग वाईफाई पे होगा। तो इसका क्या मतलब है, अगर आपके फ़ोन में अलाउ ऑन पे है, इसका मतलब है, देखिए दोस्तों, जब हम इसको वापस आते हैं इस तरीके से, देखिए हम YouTube पे जब वापस आते हैं और यह सेटिंग अलाउ ऑन पे रहेगी इस तरीके से, देखिए जब हम इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं और हम इस वीडियो को प्ले भी नहीं किए, यह वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो गया। देखिए, इस वीडियो को मैंने प्ले भी नहीं करूँगा, यह वीडियो ऑटोमेटिक देखिएगा प्ले हो गया। देख रहे हो ना, यह वीडियो ऑटोमेटिक यहाँ पर प्ले हो चुका है। तो दोस्तों, जब हमारा यूट्यूब में ऑटोमेटिक वीडियो प्ले होगा तो उससे हमारा इंटरनेट अंदर ही अंदर खर्च होगा और हमारा जो बैटरी है वो भी खर्च होगा। तो उसी को सेटिंग को लिए इसको हमें रोकना है। कैसे रोकेंगे, हम इसी सेटिंग पर जाएंगे, इसी जनरल सेटिंग पर जाएंगे, प्ले बैक इन फीड्स का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर यहाँ जो अलाउ ऑन है इसको ऑफ कर देंगे। अब दोस्तों, जब हम इसको ऑफ कर देंगे, हम यहाँ पर देखिए बैक हो जाते हैं। अब हमारा यहाँ पर कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। देखिए, कोई भी वीडियो हमारा अब ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। जब ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा तो हमारा डेटा भी बचेगा और हमारी बैटरी भी बचेगी। तो यह दूसरी सेटिंग थी, आप लोगों को कर लेना है। अब आप लोगों को तीसरी सेटिंग करनी है। तीसरी सेटिंग भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा, जिस सेटिंग का नाम है डाटा सेविंग। आप देख सकते हो यहाँ पे डाटा सेविंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो बटन अगर आपके फ़ोन में ऑफ होगा तो आपको इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से होता क्या है, देखिए दोस्तों, हमारे YouTube के अंदर में ये देखिए, रिड्यूज वीडियो क्वालिटी, रिड्यूज डाउनलोड क्वालिटी, रिड्यूज स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी, ओनली डाउनलोड ओवर वाईफाई एंड अनरिचेड मोबाइल डेटा।
इतने सारे ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है दोस्तों कि जब हम मान लीजिए YouTube पर कोई भी वीडियो को डाउनलोड करते हैं, कोई भी वीडियो को देखते हैं, अगर वह वीडियो को डायरेक्टली हम देखते हैं, वह वीडियो 1080p में चलता है, 4K में चलता है, जिसको चलने से हमारा जो डेटा है वह बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा डेली का डेटा 1 या 1.5 GB ही मिलता है। और हमारा क्वालिटी अगर मान लीजिए 4K रहा, 1080p रहा, तो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा अगर यह बटन बंद रहेगा तो। लेकिन जब यही बटन हमारा ऑन रहेगा तो जब हम YouTube पर कोई भी वीडियो को देखेंगे तो उसकी जो क्वालिटी होगी, जब हमें YouTube पहली बार उसको दिखाएगा, उसकी क्वालिटी नॉर्मल होगी। हम अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी को सेट करेंगे, जिससे दोस्तों हमारा मोबाइल का जो डेली का 1 GB 1.5 GB डेटा है वह जल्द ख़त्म नहीं होगा। तो यह सेटिंग आप ज़रूर अपने YouTube के अंदर में देखिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथी सेटिंग की। चौथी सेटिंग भी आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस का। आप देख सकते हो इसके ऊपर में टैप करना है दोस्तों। जब इसके ऊपर में टैप करेंगे तो आप क्या देखोगे कि वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क के सेटिंग पर हाई पिक्चर क्वालिटी पर सेट होगा तो इसको हटाकर आप सीधे डेटा सेवर पर सेट कर दीजिएगा। अगर आपका वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई पे अगर आपका मान लीजिए हाई पिक्चर क्वालिटी पर सेट होगा, इसको भी आप डेटा सेवर पर सेट कर दीजिएगा। इससे दोस्तों होता क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आपका फ़ोन इंटरनेट पे है, अभी हमारा फ़ोन देखिए वाईफाई पे है, अगर मान लीजिए कि हमारा फ़ोन मोबाइल नेटवर्क से चल रहा है और हम यूट्यूब पर कोई भी वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों डायरेक्टली वह हाई पिक्चर क्वालिटी पर सेट होगा, तो वह डायरेक्टली उस वीडियो को हाई पिक्चर क्वालिटी में दिखाएगा। आपको पता है ना दोस्तों कि डेली का 1.5 GB तो मिलता है, अगर हाई वीडियो क्वालिटी हमारे यूट्यूब पर चलेगी तो हमारा इंटरनेट बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको यहां पर डेटा सेवर पर सेट करते हैं लोअर पिक्चर क्वालिटी पर, तो जब हम YouTube पर कोई वीडियो को देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमें लो क्वालिटी में दिखाएगा, हम अपने हिसाब से उसकी क्वालिटी को फिक्स करेंगे, तो उससे हमारा इंटरनेट डेटा बचेगा और बैटरी भी बचेगी। उसी तरीके से यहां पर यह सेटिंग है वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई। जैसे कि मान लीजिए हम वाईफाई से अपनी वीडियो को चला रहे हैं और यह सेटिंग हाइपर पिक्चर क्वालिटी पर सेट है, उससे दोस्तों हमारा वही सेम चीज़ होगा कि हमारा वाईफाई का डेटा सबसे ज़्यादा ख़त्म होगा और डेटा सेवर पे रहेगा तो लो पिक्चर क्वालिटी से स्टार्ट होगा। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और तो आप इस सेटिंग को यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई में इंटरनेट अनलिमिटेड होता है। और अगर आपके पास फ़ोन 5G है तो आप इस सेटिंग को यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी 5G में अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। अगर आपका फ़ोन 4G है तो आप इस सेटिंग को प्लीज़ यहाँ रखिएगा, नहीं तो आपका इंटरनेट डेटा बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो यह सेटिंग थी आपकी चौथी सेटिंग। अब बात करते हैं यहां पर पांचवी सेटिंग। पांचवी सेटिंग है दोस्तों ये देखिए ऑटो प्ले। ऑटो प्ले पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर यह बटन ऑन होगा, आप लोगों को इस बटन को ऑफ कर देना है। यह बटन ऑन का मतलब है कि जब आप YouTube पे कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वह वीडियो ख़त्म होता है और दूसरा वीडियो प्ले हो जाता है। दोस्तों अगर आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको वीडियो लगाकर मोबाइल दे दिए हैं और वो बच्चा वीडियो देखते देखते सो गया, नींद लग गई और आप भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक वीडियो ख़त्म होगा, YouTube पे दूसरा वीडियो चालू हो जाएगा। अगर यह बटन ऑन रहा तो दूसरा ख़त्म होगा, तीसरा चालू हो जाएगा, जिससे आपका इंटरनेट भी ख़त्म होगा और आपकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होगी। इसलिए आपको इस बटन को बंद कर देना है, जिससे आपका इंटरनेट भी बचेगा और बैटरी भी बचेगा, वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को YouTube की इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।